नमस्कार साथियों, बीएनजे ब्लॉग्स पर आपका स्वागत है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट खबर जो है, जानकारी आ रही है कि जो ये बीपीएससी ने दिया था ऑप्शन 21 से 25 तक जो डॉक्यूमेंट्स धुंधला हो गया है या कुछ मिट गया उसे अपलोड करने का, तो इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और इसमें जो है टेस्टिंग ऑफिसर कौन होगा, तो इसके बारे में मैं क्लियर कर दूँ। पुख्ता जानकारी है, मैंने भी कराया है कि इसमें जहाँ पर हमें आपको डॉक्यूमेंट्स ये है अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ है वो क्लियर नहीं है तो डालेंगे, जहाँ जहाँ जो चीज़ में दिक्कत है वो डालेंगे। और नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर में जिनसे आप गेजेटेड ऑफिसर से कराएंगे, जैसे मैंने एमबीबीएस डॉक्टर से कराया है सदर अस्पताल में, अनुमंडल हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर उनका नाम डालना है राकेश कुमार, और उसके साथ में डेजिग्नेशन विथ प्लेस पोस्टिंग, तो उनका पोस्ट क्या है, तो मेडिकल ऑफिसर है। कहाँ पोस्टेड है, तो अनुमंडल हॉस्पिटल बेनीपुर में, ये लिखा जाएगा। मोबाइल नंबर उनका जो होगा वो लिखा जाएगा, ये होगा। इसमें ये नहीं कि जो सीओ बनाए हैं या वीडियो तो उनका नाम या डेजिग्नेशन दिया जाएगा, अटेस्टिंग वही होते हैं, उन्हीं का नाम और डेजिग्नेशन दिया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा खबर यह है कि बीआरपी की होगी बहाली। ये जो है अपना पटना से तो नहीं है खबर, लेकिन ये पूरे बिहार में लागू होगा कि अब प्रत्येक प्रखंड के बीआरसी में दो दो बीआरपी की बहाली होगी। अगला जो खबर है कि अभी तक सिर्फ 44% जो है वह शिक्षा कोष में 44% शिशुओं का ही प्रोफाइल अपडेट हुआ है। अगला जो खबर है वह है कि प्रयागराज से कि बीएड अब ब्रिज कोर्स का मसला पहुंचा कोर्ट। अब ब्रिज कोर्स नहीं करवाया जा रहा है यूपी में, तो उसके कारण जो है कोर्ट का सहारा कैंडिडेट ले रहे हैं, तो ये हो गया। अगला जो है ये बता ही दिए हैं कि ये अपडेट करना है 21 से 25 तक। एडिट का ऑप्शन आ गया, देख सकते हैं। इस बार ख्याल रखा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देख सकते हैं, लेकिन अफसोस कि डॉक्यूमेंट नंबर का चेंज ऑप्शन नहीं दिया गया है, यह हो गया। दूसरा जो खबर है वह यह है कि जो मानदेय था टोला सेवक का 11,000 से 22,000 कर दिया गया, जो अपना ये विकास मित्र था उसको 13,700 से 25,000 कर दिया गया। इस तरह से धीरे धीरे जो है सभी को दोगुना किया गया है। जो रसोईया है उनका 1500-1600 रुपया है, तो उन्हें भी बढ़ाकर दोगुना तिगुना किया जा सकेगा, हाल के दिनों में हम लोग को दिखाई देगा। बाकी जो नियोजित टीचर हैं इनके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और इनकी मांगों को पूरी करनी चाहिए। ससमय राजकर्मी का जो दर्जा है वह दे देना चाहिए। इतनी